इस वीडियो के अलावा दो वीडियोस ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट हैं एनएडी के एंटी टेस्ट से रिलेटेड। सबसे पहली वीडियो ये होगी जो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा दो तीन दिन के अंदर कि आपने एमसीक्यूज, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि एमसीक्यूज किस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करने की भी ट्रिक्स होती हैं। अच्छा, अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो किस तरीके से आप तुक्का लगाओ, और बाकी जितने एमसीक्यूज से रिलेटेड है वो मैं डिस्कस करूंगा। और एक और वीडियो है जो स्टूडेंट ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप कैलकुलेटर की सारी ट्रिक्स बताएं, क्योंकि एनएडी में कैलकुलेटर अलाउ है। तो दो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, बाकी इस वीडियो को आप लोग इन्जॉय करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में एनएडी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। टाइटल देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट तो मेरी यही है कि भाई अगर आप एनएडी वाले हो तो मतलब एनएडी में अगर आपने जाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आप लोगों के जो आप लोगों ने मुझसे किए हैं, और कुछ टिप्स हैं जो मैं एनएडी के एंट्री टेस्ट से रिलेटेड आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और मेरी कोशिश ये कि आप उन पर अमल करो। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। अच्छा, बैकग्राउंड में जो अजान हो रही है वो हमारी मस्जिद में नहीं है, तो मैं एक अजान पे खामोश हो गया था। कमेंट ना कर देना कि अजान के वक्त बोल रहा है ये। बहरहाल सीन ये है कि आमतौर पर स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बता दें। देखो, आप लोगों का जो मतलब मिजाज था ना, जो आप लोगों का इंटरमीडिएट में था कि बस पास पेपर्स बता दो हम वो कर लें, वो आप लोगों का मिजाज अभी भी वही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस अपनी जो मिजाज है ना, इसको चेंज कर दो आप लोग। ये आप लोगों का कोई पेपर नहीं है जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट चैप्टर देखोगे कौन कौन सा है। इंटरमीडिएट में चलता था कि आप एक दो चैप्टर छोड़ दो तो फ़ायदा हो जाया करता था, 100 आ जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं देखने, इन द सेंस कि आप लोग वही तैयारी करो। अगर आप इसलिए देख रहे हो कि हमें पता चल जाए कि यार ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन पर हम ज़्यादा फोकस कर पाएँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आप लोगों को एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ। वो जनरल चीज़ ये है कि सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर पे आ जाओ तो पहली कैटेगरी ये है कि जो सबसे ज़्यादा चैप्टर्स आते हैं वो है चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस का जो है, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, इसी तरह चैप्टर नंबर 7 हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया, इनसे बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं। ये समझ लो आप दो तीन चार एमसीक्यूज़ दो तीन तो एटलीस्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जिनसे कम आते हैं वो आप ये समझ लो चैप्टर नंबर 1 है सेट का, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 2, मैट्रिसेस 1-2 आ रहे होते हैं उनसे। और इसी तरह अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा नहीं आती एनएडी में लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो 9, 10 और 12 चैप्टर ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनसे भी 1-2 बन जाते हैं। बहुत कम जिनसे आते हैं वो चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 से समझ लो हर दफ़ा आता भी नहीं है, एक मैक्सिमम आ जाए तो एक आ जाता है या आमतौर पर नहीं आता। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री पर अगर आप आ जाओ तो 11 चैप्टर जो है और 13 चैप्टर जो है, इससे भी बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बारे में ये नहीं आएगा, आपके बारे में बिल्कुल आ सकता है। ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आमतौर पर एनएडी में पैटर्न फॉलो होता है कि इन चैप्टर्स को कम अहमियत दी जाती है। ये होगी फर्स्ट ईयर की बात। सेकेंड ईयर पर अगर आप आ जाओ तो सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट सब चैप्टर ही आ रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो कॉनिक सेक्शन 7-8 चैप्टर जो हैं, उसके बाद जो आपके पास आ रहा होता है वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 मतलब डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, इनके एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं। तो 4, 6, 7, 8 ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इनसे एमसीक्यूज़ ये समझ लो आप 2-3 एमसीक्यूज़ आराम से बन रहे होते हैं। उसके बाद 2-3 स्ट्रेट लाइन, उनसे भी आ रहा होता है आपके पास, लिमिट जो है उनसे भी आ रहा होता है। जो आप ये कह सकते हो जिनसे 1-2 आते हैं हर दफ़ा वो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 से 1 आ जाएगा और चैप्टर नंबर 9 से 1 या हार्डली 2 आ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, सेकेंड ईयर में कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि इससे ना बने, जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं, सब आ रहे होते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर तो आप पढ़ने वाले बच्चों तो आप लोग जो मैंने बताया है इसको इस तरीके से लो कि जिनसे ज़्यादा आ रहे हैं आप उनकी अच्छी तैयारी करो, आप पूरी एक एक डिटेल चीज़ उनसे पढ़ो, और जिनसे कम आ रहा है तो आप क्या करो उनको भी देखो लेकिन उनको बहुत ज़्यादा टाइम ना दो अपना। और अगर आप एक स्टूडेंट हो जिनको जिसकी तैयारी है ही नहीं, तफरियाँ की हैं जिसने, अब वो टेस्ट दे रहा है, तो उसको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं सबसे ज़्यादा आते हैं वो तो आप लाजमी करो, उसके बाद टाइम बचा तो आप बाकी भी देख लेना, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड, बाकी आप लोग देख लो। अगर इंपॉर्टेंट पे ही फोकस करोगे तो फिर टेस्ट में उम्मीद ना रखना ज़्यादा मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद जो मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है ये पास पेपर्स की एनएडी की, मुझसे सवाल ये पूछते हैं कि सर अगर ये पास पेपर्स कर लें तो हमारा हो जाएगा। यार मतलब मुझे सेंस नहीं बनती इस चीज़ की, क्या इंटरमीडिएट के आप पास पेपर्स करोगे तो हो जाएगा पेपर? नहीं होता था पेपर, आपको बुक सॉल्व करनी पड़ती थी यही चीज़। और ये तो एंट्री टेस्ट है भाई, एंट्री टेस्ट में कौन ये देखता कि पास पेपर्स कर लें, और ये पास पेपर्स हैं भी नहीं। आप क्या समझ रहे हो जो आप टेस्ट देकर आओगे वो पास पेपर्स वो इस बुक में लिखे हैं जो मैं सॉल्व करवाता हूँ या बाकी आपको अनीस हुसैन से मिल जाएंगे, ये वो वाले नहीं होते। एक्चुअल पास पेपर्स किसी को नहीं पता होता, ये जो सिमिलर क्वेश्चन जो होते हैं ना टेस्ट में वो लिखे होते हैं।
तो ये एक्चुअल पास पेपर नहीं होते और इस पर आप इतना रिलाई कर रहे हो, मैं एटलीस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ो पहले। उस चैप्टर में लेट्स से सेकेंडरी का चैप्टर नंबर टू जो है, आप 2.1 पे आओ, 2.1 पे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ो, आप जितनी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ो, सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। 2.2 पे आ जाओ, आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन ये सब चीज़ें क्या है। 2.3 तो इतनी नहीं आएगी, 2.4 पे अगर आप आ जाओ, स्लोप आपको पता होना चाहिए, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन पता होनी चाहिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस पता होना चाहिए। 2.5 पे अगर आप आ जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाटा गिवन है उससे आपने कैसे इक्वेशन बनानी है स्ट्रेट लाइन की, दो पॉइंट गिवन है तो किस तरह बनाओगे, पॉइंट और स्लोप गिवन है किस तरह बनाओगे। ये चीज़ मुझे बहुत अनॉय करती है जब आप लोग बोलते हो इससे पास पेपर हम कर लें तो हो जाएगा, नहीं होता यार। तो चैप्टर नंबर, ये सारे चैप्टर आप पढ़ो पूरे चैप्टर के बारे में, उसके बाद स्टेप आता है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करो। अच्छा, चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करो। जब एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएँ, डिफरेंट बुक्स आती हैं सॉल्व कर लो, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है पास पेपर्स, जो आप लोग पहले स्टेप पर लेकर आ रहे हो। तो अगर जिसकी तैयारी नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है, तो फिर तो मैं बोलूँगा पास पेपर्स कर लो, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं और एनएडी का टेस्ट बहुत अहमियत का हामिल हो गया। आप हमारी बारे में आप ये था कि आप 50 नंबर ले लो, उसके बाद जितने भी आप ज़्यादा लोग हैं कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपकी परसेंटेज डिसाइड करेगी आपका डिपार्टमेंट। लेकिन अब 50-50 रेशियो है, अगर आपकी फर्स्ट ईयर में 60% है और आपने टेस्ट स्कोर 80 ले लिया तो मेरिट नंबर आपका 70% बनेगा, उसमें 10% आपकी इंप्रूव होगी। और यही अगर आपकी 80% है और आपने टेस्ट में 60 नंबर लिए तो आपकी 70% पे आप आ जाओगे, 10% रिड्यूस हो जाओगे। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर क्यों आप लोग इतना मतलब इजी ले रहे हो उसको। और आमतौर पे एनएडी का टेस्ट लोग इजी ले रहे होते हैं कि यार इजी है हो जाएगा, ये आपको चीज़ मरवाएगी। अगर आप कंपेयर करते हो नर्स से या बाकी यूनिवर्सिटी से जिनके बहुत टफ होते हैं, उनसे तो आप कह सकते हो कंपेरेटिवली ईजी है, लेकिन वैसे अगर आप बात करो तो ईजी नहीं होता, ये आपको हार्ड लगेगा और होगा भी। तो इसको आपने ईजी नहीं लेना। जो चीज़ें बताई हैं कि पास पेपर्स ये एंड स्टेप है, अगर आप नहीं पढ़ने वाले तो फिर आप पास पेपर्स पे रिलाई करो, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछते हैं, वो ये है कि भाई आपने बोला था कि कैलकुलेटर अलाउ है और एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, और साथ बताते भी हैं कि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो भाई नाम ही बता रहा है कि प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। आपके पास जो कैलकुलेटर है, कभी आपके फरिश्तों ने भी इसका नाम प्रोग्रामेबल लिया, जो मैं बोल नहीं पा रहा सही तरीके से, अजीब इतना मुश्किल नाम, कभी नहीं आपने इसका नाम लिया। आपने क्या लिया, साइंटिफिक। आप गूगल पे जाओ, लिखो भाई साइंटिफिक और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर में फ़र्क क्या होता है। वो कैलकुलेटर अलग होता है, उस पर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हो, कोई भी आपके पॉइंट्स उनको प्लॉट कर सकते हो, बाकी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। लेकिन आपके पास जो होता है वो साइंटिफिक होता है, वो बिल्कुल अलाउ है। बैड हुआ कि मैं वीडियो बना रहा था और मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला, हवा इतनी तेज़ चल रही थी। तो खैर मिनी हार्ट अटैक हुआ था मुझे, क्योंकि 3 मिनट के लिए मोबाइल मेरा बंद था बिल्कुल, और आप लोगों के पास पेपर जो रह गए थे वो नहीं आने थे अगर मोबाइल ख़राब हो जाता। बस अल्लाह ताला ने रहम किया, खुद ही ऑन हो गया। तो अब मैं बाकी यहाँ बना रहा हूँ, रिस्क लेने का नहीं है मेरे को। अब आ जाओ वीडियो के उस पोर्शन पे जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि एनएडी के एंट्री टेस्ट की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होंगी, किस तरीके से आपने अच्छे नंबर स्कोर करने हैं एनएडी के एंट्री टेस्ट में। देखो सबसे पहला मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को कि एनएडी का एंट्री टेस्ट जो होता है उसमें 100 MCQs होते हैं, 4 सब्जेक्ट के सेक्शन होते हैं, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ, 25 इंग्लिश अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हो। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से पढ़कर आए हुए हो तो जो केमिस्ट्री है 25 MCQs केमिस्ट्री के नहीं होंगे, बल्कि 25 MCQs कंप्यूटर के होंगे। और इसी तरह अगर आप प्री मेडिकल के हो तो जो मैथ का 25 का पोर्शन होगा 25 नंबर का, उसकी जगह बायोलॉजी का होगा पोर्शन, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया कि कितने MCQs आएंगे, 2 घंटे आपके पास होंगे, 100 MCQs आपने 2 घंटे के अंदर करना होता है। अब आपने अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये टिप देना चाहूँगा कि भाई आप डिसाइड करो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है या कौन कौन से हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट स्पेशली सिंध बोर्ड से जो होते हैं उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है, मेरी भी इंग्लिश वीक है। तो अब जो इंग्लिश का पोर्शन होता है ना, आपने उस पर टाइम ज़्यादा नहीं करना खर्च, इसलिए नहीं करना क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है उस पर, आपको कि सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपकी जब तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप काफ़ी सोचोगे, सोचने के बाद एंड पे तुक्का मारोगे अगर आपको नहीं आता सही तरीके से। तो अगर आप उस पर टाइम ज़ाया कर दोगे तो जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, लेट्स से फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आता है, उसके लिए टाइम कब बच जाएगा। आप जो आपको नहीं आता आप उस पर टाइम ज़ाया कर रहे हो, और जो आता था उस पर आप कम टाइम दे रहे हो, तो नुकसान ये होगा कि भाई जो आपको नहीं आता था उससे भी नहीं कर पाओगे,
और जो आपको आता था वो टाइम की कमी से वो भी नहीं आप कर पाओगे। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने पहले डिसाइड किया था कि मेरे तीन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैंने आमतौर पर अगर आप एवरेज लो तो हर सेक्शन के लिए 30 मिनट हैं, 30 मिनट, 4 सेक्शन है तो टोटल 2 घंटे हैं आपके पास। तो मैंने क्या किया था, मैंने 35 मिनट दिए थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, मैंने 35 मिनट दिए थे और मैंने बोला था कि यार 35 मिनट के अंदर मुझे करना है। बाकी इंग्लिश के लिए 15-20 मिनट बचे थे और 15-20 मिनट में मैंने कर लिया था, क्योंकि इतना अच्छा आता नहीं था। जो 15-16 आते थे वो कर लिए, बाकियों पे तुक्के मार लिए, तो मेरे ख्याल में इंग्लिश के पोर्शन में 18-19 आ गए थे मेरे। तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन डिसाइड करो, जब आपको पता चल जाए तो आपने उसको मैक्सिमम टाइम देना है और बाकियों को आपने कम टाइम देना है। और मैक्सिमम किसी भी सेक्शन को 35 मिनट दो, इससे ज़्यादा नहीं दो। अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन भी है तो उसको 35 मिनट दो, इससे ज़्यादा नहीं दो। घड़ी लाजमी लेके जाओ, घड़ी पे एक एक चीज़ मैनेज करो, देखो कि यार इतना टाइम हो गया, मैंने इतना करना है। टेंशन नहीं लो, पैनिक नहीं करो कि यार अब क्या होगा, टाइम खत्म हो गया, ऐसा ना सोचो। एक और स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो कंप्लीट रीड करते हैं अपना पेपर। देखो अगर आपके पास रिटर्न, अच्छा पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, कंप्यूटराइज टेस्ट होगा आप लोगों का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो अब किस तरीके से वो होगा वो आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, मेरा बताना ज़रूरी नहीं है। वहाँ जाके आपको सब गाइड कर देंगे किस तरीके से आपने टेस्ट देना है, क्या होगा, पूरी एक एक चीज़ डिटेल में बता देंगे वो। देखो जो पहले हाथ में देते थे पेपर, फिजिकली टेस्ट जो आपका होता था, उसमें पूरा पेपर आपके पास आ गया, आपकी मर्ज़ी आप पूरा पेपर रीड करो, आपकी मर्ज़ी आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर दो। मसला ये आता है कि आमतौर पर उसमें गलती ये करते हैं कि कंप्लीट पेपर रीड करते हैं, या अगर आप लोगों का कंप्यूटराइज टेस्ट है तो आप पूरा सेक्शन रीड करने लग जाओगे। लेट से मैथमेटिक्स आया, पूरे मैथमेटिक्स के 25 एमसीक्यूज पढ़ रहे हो, ये गलती नहीं करना। जैसे ही आए पहले एमसीक्यू से स्टार्ट कर दो, आपके पास कोई टाइम नहीं है कि आप घंटों बैठ के पढ़ते रहोगे, आराम से ईजी रिलैक्स होकर दोगे, भाई ऐसा पेपर नहीं है ये। जो सेक्शन आया एमसीक्यू से स्टार्ट करते जाओ, उसके बाद एमसीक्यूज किस तरीके से सॉल्व करने हैं या क्या ट्रिक्स होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। एमसीक्यू से रिलेटेड पूरी वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो होगी जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्या गलतियां हैं, क्या करना है आपने, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि स्टूडेंट करते ये हैं कि शुरू में रिलैक्स हो जाते हैं, वो शुरू में रिलैक्स रहते हैं, उसके बाद एंड पे प्रेशर बढ़ जाता है। एंड पे जब प्रेशर पड़ता है कि टाइम ख़त्म हो रहा है तो वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते। एट द एंड क्या होता है कि एमसीक्यूज आपके छूट जाते हैं या आप गलत कर लेते हो। तो आपने यूनिफॉर्म स्पीड रखनी है अपनी, ये नहीं कि शुरू में बहुत जल्दी कर दो, सॉरी शुरू में बहुत आप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हो, इधर उधर रिलैक्स हंस रहे हो, इधर दोस्त वोस्त से मिल रहे हो, और एंड पे जाके फिर रो रहे हो, फिर बोलते हो पता नहीं क्या हो गया, फिर वो जो अफ्रीकन बच्चा जो है उसके जो रोने वाली शक्ल होगी उसकी मीम शेयर करोगे। तो इंसानों की तरह पहले यूनिफॉर्म अपना टेस्ट देना, शुरू में रिलैक्स नहीं होना ज़्यादा। आखिरी पॉइंट में डिस्कस करूंगा, फिर वीडियो एंड हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एमसीक्यू से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि भाई जब आपका एक सेक्शन हो जाए, लेट से आपने मैथमेटिक्स के 25 एमसीक्यूज कर लिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आंखें बंद कर लो, अपने गुनाहों को सोच, नहीं गुनाहों को नहीं सोचना फिर तो और भूल जाओगे, बहुत गंदे गंदे गुनाह, आंखें बंद कर लेना, रिलैक्स हो जाना थोड़ा, कि मतलब चिल हो जाओ यार, थोड़ा सोच लो कि भाई ज़्यादा क्या होगा, नहीं क्लियर कर पाऊंगा। ये जो डर होता है ना, अगर इस डर को ख़त्म कर दोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। जो डर होता है ना कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, ये देखो अपनी मेहनत करो पूरी, उसके बाद डरो नहीं, फेल हो जाएगा क्या होगा, आपने मेहनत की आपको सिला मिलेगा ज़रूर, डरना नहीं। अगर डर जाओगे जो आते हैं वो भी गलत करोगे। वो शोएब अख्तर जो कहते हैं ना, वो तगड़े बंदे चाहिए, और वो उस टाइप का आपने होके जाना है, फुल स्ट्रॉन्गेस्ट होके, अग्रेशन होके आपने, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप तैयारी ना करो और जाके बोलोगे भाई मैं सब कर लूँगा, तैयारी करो उसके बाद हो जाओ चिल, भाई चिल सीन रखो, कोई मुसीबत कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब सेक्शन हो जाए थोड़ा चिल हो जाओ, जब चिल हो जाओ 30-35 सेकंड का गैप लो, आप पानी वानी पियो, रिलैक्स होके दूसरा सेक्शन करो, ये बड़ा ज़रूरी है, आप रीस्टार्ट हो जाओगे। अगर मुस्तकिल करते जाओगे, आपने कभी इस तरह एमसीक्यूज का टेस्ट नहीं दिया होता आमतौर पे ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ने, आपने हमेशा वो उर्दू के ही दिए होते हैं, बस इतने इंटेंस 2-3 घंटे वाले, जैसे मुस्तकिल आप लिखते रहते हो, फालतू की शायरी खींच ले, वो पर्दे का कोना, और बस ऐसे वो आप लोगों को पता ही होगा, पता नहीं हसरत मोहानी किसकी है, बस इस टाइप की चीज़ें आप लिखते रहते हो, ये आप लोगों को प्रैक्टिस है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं है। और एमसीक्यूज एक आर्ट होता है, हल्की सी टेंशन लोगे भूल जाओगे, एमसीक्यूज में जब वो घुमाते हैं तो फिर आप घूम जाओगे, अगर आपने टेंशन ली हुई है, रिलैक्स होगे आराम से दे पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, यही मैं डिस्कस करूंगा, बाकी नमाज़ें तो वैसे भी आपको पढ़नी चाहिए, उस दिन स्पेशली तहज्जुद भी पढ़ लेना, और दुआ करके जाना, पेपर बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना, अल्हम्दुलिल्लाह करना भाई, कि जितने भी नंबर आ जाएँ शुक्र करो आप लोग इस लेवल तक भी पहुँचे हो। कितने स्टूडेंट हैं एनडी का टेस्ट, ये समझ लो 10,000 स्टूडेंट देते हैं कराची में, कितने स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल में लाखों से ऊपर हैं, उसमें से 10,000 में से आप हो जो टेस्ट दे रहे हो, तो शुक्र करो अल्लाह का, और इंशाल्लाह पास भी होगे। पास होने वाले समझ लो 3-4 हज़ार पास होते हैं, तो आप पास होने में 3-4 हज़ार हो, अगर आपके अच्छे आ गए तो फिर तो और अच्छी बात है। तो शुक्र करना अल्लाह ताला का कि आप इस लेवल तक भी पहुँच चुके हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे,
अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।